अभी हमने रिलेशन के बारे पे पढ़ा इससे पहले लेक्चर पे, हम थोड़ा और इस पे आगे देखेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन, किस रिलेशन को आप कब इक्विवेलेंस कहेंगे? इससे पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और सारे रिलेशन पढ़े। तो रिलेशन आपने कहा लेट आर रिलेशन ऑन एक्स, तो आर आपने कहा एक रिलेशन एक्स पे, आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज नंबर वन रिफ्लेक्सिव, नंबर टू सिमेट्रिक, नंबर थ्री ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा यदि वह रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव का मतलब फॉर ऑल x belongs to x, x x belongs to r। सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक का मतलब यदि x y r में है तो y x भी r में होना चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब यदि x y और y z r में हो तो x z भी r में होना चाहिए। तो वो रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई सारी कई सारी प्रॉब्लम जो आती हैं प्रूव करने के लिए कि प्रूव करें कि कोई रिलेशन दिया हुआ आपको रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो पहले उसको आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है। जैसा मैंने आपको तरीका बताया कि दो तरीके आपके पास थे, कि पहला आप सारे एलिमेंट लिस्ट कर सकते थे कि आप उसको जो डेफिनेशन दिया है कैसे आप रीजनिंग के थ्रू आप उसको दिखाएं, तो वही चीज़ आपको पूरा दिखाना है कि पहले रिफ्लेक्सिव है, दूसरा सिमेट्रिक है और तीसरा ट्रांजिटिव है। तो रीजनिंग जो आप भी अपना रहे हैं, जो आपकी डेफिनेशन आपको दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप ये पूरा प्रूव करेंगे। जब आप ये तीनों दिखा देंगे कंडीशन की तीनों रिलेशन है, एक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, शॉर्टकट में एग्जांपल आपको बताऊं, आर वो रिलेशन है एक्स वाई, पॉजिटिव इंटीजर्स पे है रिलेशन डिफाइन किया, एंड एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5। ये मैंने आपको जैसे रिलेशन बताया, तो इसको पहले मैंने एक सॉल्व करा है कैसे आप इसको रिफ्लेक्सिव दिखा रहे हैं, कैसे आप इसको रिफ्लेक्सिव का मतलब x माइनस x जब आप करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हर एक x के लिए जो कि आप कहेंगे डिविजिबल बाई 5 है, तो हर एक x के लिए x x r को बिलोंग करता है तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में आप लेंगे कि x माइनस y मान के चलेंगे डिविजिबल बाई 5 है, तो x माइनस वाई डिविजुअल 5 है तो y माइनस x भी डिविजुअल बाई 5 होगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए आप मान के चलेंगे x माइनस वाई डिविजुअल बाई 5 और y माइनस z डिविजुअल बाई 5 है, जैसे मैंने पहले बताया दोनों को ऐड करेंगे तो आपका निकलेगा x माइनस z भी डिविजुअल बाई 5 है। इस तरीके से आप उसको दिखाएंगे रिलेशन ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो आप कह रहे हैं रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन जब भी हम डिफाइन करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन एक इक्विवेलेंस क्लास को एक पार्टीशन में जनरेट कर देता है सेट एक्स में। कैसे जनरेट करता है मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए पहले हम एक पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। जैसे एक्स कोई दिया, सपोज मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर एग्जांपल एक एक्स दिया हुआ है और आर आपने कह दिया रिलेशन एक्स वाई सच दैट x y belongs to x and x minus y is divisible by 2, for example 2 को ले लें। ये एक x है, r इस पे आपका डिफाइन है। तो कैसे हम यहाँ पर ये इक्विवेलेंस रिलेशन जो है कैसे पार्टीशन जनरेट कर रहा है ये हमने देखना है। तो यहाँ पर जब आपको देखें ये कर रहा है, तो हर एक एलिमेंट के लिए हम क्या कह रहे हैं कि हमें अगर ये निकालना है इक्विवेलेंस क्लास हमें निकालनी है। मुझे मान लीजिए किसी एलिमेंट की निकालनी है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, कौन सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे,
y एलिमेंट इसमें आए, किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, x को बिलोंग करेंगे एंड x y बिलोंग्स टू r। तो अगर किसी एलिमेंट की मुझे इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो वो सारे y जो कि x के मेंबर हैं और x से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ ध्यान दीजिए ये जो वाला रिलेशन बना है, अगर मैं इस पे इसके आर के अगर एलिमेंट लिखो, अगर मैं इसमें क्लास सपोज वन की लिखना चाहूँ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, तो वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि इस, अगर यहां पर मैं वन लिख दूं और वाई, वो सारे वाई आएंगे जो कि वन वाई रिलेटेड टू आर हो, यानी कि वन और वाई ऐसे वाई जिसका वन के साथ डिफरेंस डिविजिबल बाई टू है। तो क्या क्या आ जाएंगे, वन पहला इसमें वन आएगा, क्योंकि वन माइनस वन जीरो, थ्री क्योंकि वन माइनस थ्री टू, टू से डिविजिबल है, फाइव एंड सेवन। तो ये आपकी वन की इक्विवेलेंस क्लास बनेगी। कैसे बनी, कि वो सारे एलिमेंट जिनका वन से डिफरेंस टू से डिविजिबल है। ऐसे अगर मैं टू की इक्विवेलेंस क्लास लिखूं विद रेस्पेक्ट टू रिलेशन आर, टू टू माइनस टू जीरो डिविजिबल बाई टू, नेक्स्ट फोर एंड सिक्स एट, तो ये टू की इक्विवेलेंस क्लास बनी। अब आप ध्यान दें, यदि आप थ्री की भी इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे तो यही सेट आएगा। तो इसका मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, इक्विवेलेंस क्लास थ्री के बराबर भी है, यह इक्विवेलेंस क्लास फाइव के बराबर भी है, यह इक्विवेलेंस क्लास सेवन के बराबर भी है। तो ये सारी इक्विवेलेंस क्लास, ये ऐसे आप इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास, ये किसकी है, टू की भी है, फोर की भी है, सिक्स भी है, यानी किसी भी इक्विवेलेंस क्लास में तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो कैसे इसने पार्टीशन जनरेट किया इक्विवेलेंस रिलेशन से, जब हमने इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन किया तो आपके जितने एलिमेंट्स हैं उनकी इक्विवेलेंस क्लास निकाली। पहले मैंने वन की निकाली तो इतने एलिमेंट्स आ गए, फिर मैंने दो की निकाली तो देखिए ये इतने एलिमेंट्स आ गए। अब जरा ध्यान दें कि अगर जो इन दोनों एलिमेंट्स को दो सबसेट बन गए, इक्विवेलेंस क्लास आपके वन एंड टू, ये देखें आपके ये एक सबसेट बन गया एक्स का, ये भी एक सबसेट बन गया एक्स का। कैसे पार्टीशन जनरेट किया, पार्टीशन का मतलब ऐसे सबसेट का सेट जिनका यूनियन तो ओरिजिनल सेट आ जाए जो दिया हुआ है, और इनका अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा। लेकिन इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन इनका फाई आ गया, यानी कि ये सेट जो हमारा बना 1R 2R, ये एक पार्टीशन जनरेट किया, द पार्टीशन जनरेटेड बाय दिस इक्विवेलेंस रिलेशन R ऑन X, यानी इस इक्विवेलेंस रिलेशन ने X में ये पार्टीशन जनरेट किया। पहला पार्टीशन इस सेट को कर रहा है, दूसरा ये, और दोनों आप देखिए पार्टीशन की जो मैंने आपको बताई थी पहले, कि पार्टीशन का मतलब कि जितने भी यहाँ पर सबसेट्स हैं इन सब का यूनियन ओरिजिनल सेट के बराबर आना चाहिए, और इनका इंटरसेक्शन किसी भी दो का इंटरसेक्शन ले तो फाई के बराबर आना चाहिए। तो इस तरीके से हर एक इक्विवेलेंस रिलेशन किसी भी सेट में पार्टीशन को जनरेट करता है, और पार्टीशन को जनरेट कर कैसे पार्टीशन बन रहा है उसके लिए आप पहले इक्विवेलेंस क्लास को निकालेंगे। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, कब कोई रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहला रहा है। फिर आपने कहा लेट आर बी रिलेशन ऑन एक्स, आर कोई रिलेशन है एक्स पे, ये कब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा, यदि रिफ्लेक्सिव हो, दूसरा एंटीसिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। यदि कोई रिलेशन आर किसी एक्स में डिफाइन हो तो आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन
it is reflexive antisymmetric transitive. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने कहा x कोई सेट ले लिया, इंटीजर का सेट ले लिया, रिलेशन पार्ट्स ऑफ रिलेशन आपने जो डिफाइन किया बेसिकली ऑर्डरिंग रिलेशन है. जैसे आपने इसमें ले लिया लेस देन इक्वल टू, एक हमने रिलेशन ले लिया लेस देन इक्वल टू. अब चेक करते हैं इसको कि क्या ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं. तो आपने कहा रिफ्लेक्सिव, आप हर एक एक्स के लिए, अगर आप जैसे सपोज एक्स लिया है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर के हर एक पॉजिटिव इंटीजर के आप लिख सकते हैं कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स. तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक्स पॉजिटिव इंटीजर आप ये लिख सकते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. एंटीसीमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताई थी कंडीशन, यदि एक्स रिलेटेड वाई हो और वाई रिलेटेड एक्स हो तो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए. तो मैं मान के चलेंगे दो है, हमने कहा लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स रिलेटेड वाई एंड वाई रिलेटेड एक्स. अब इस एक्स रिलेटेड वाई, वाई रिलेटेड एक्स का मीनिंग क्या निकला? एक्स रिलेटेड वाई एंड वाई रिलेटेड एक्स, इसका मीनिंग क्या निकला? एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स. दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई. ये जो आप कह रहे हैं एक्स लेस देन इक्वल टू वाई एंड वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई. ट्रांजिटिव आपको जैसे मैंने पहले बताया था वही तरीका, आप इसे तीन एलिमेंट लेंगे एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स. जब आप लिख रहे हैं कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, ट्रांजिटिव के लिए क्या किया आपने? लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स क्या मान के चलेंगे? सच दैट एक्स रिलेटेड वाई एंड वाई रिलेटेड जेड. तो क्या आना चाहिए? x रिलेटेड z आना चाहिए. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि x लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू z. तो इसका मीनिंग क्या निकला? x लेस देन इक्वल टू z. यहाँ पर ट्रांजिटिव, ये कहलाएगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. तो दो आपको रिलेशन था, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. तो कौन कौन से रिलेशन इनके लिए सेटिस्फाई होने चाहिए वो आपको याद रखना है. नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ रिलेशन. कंपोजिशन ऑफ रिलेशन कोई आपने कहा लेट एक्स बी ए सेट R and S be two relations. Be two relations on X. X में कोई दो डिफाइन है तो कंपोजिशन आप डिफाइन कर रहे हैं R कंपोजिशन S. ये भी एक नया रिलेशन बनेगा. कैसे बनेगा? इसमें X Z एक इसका एलिमेंट हो गया आर्बिट्रेरी एलिमेंट. किस तरीके से बना ये आपने कैसे एक्स जेड बना? देखिए क्या कह रहे हैं, देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू एस. इसमें R कंपोजिशन S में किस तरीके के मेंबर आएंगे? X Z तरीके के मेंबर आएंगे. और क्या होना चाहिए कि ऐसा वाई एग्जिस्ट करना चाहिए कि X Y तो R में हो और Y Z S में हो. तो ये आपके मेंबर R कंपोजिशन S में आएंगे. क्या करना है आपको? जैसे आपने कहा फॉर एग्जांपल लेट X इक्वल टू 1 2 3 4, एक मैंने रिलेशन लिया R
1, 2, and suppose for example 3, 4. एक रिलेशन R है, दूसरा एक मैंने ले लिया S. Suppose 2, 3 है and 4, 1. जो R composition S में जब निकालूंगा, देख किस तरह के आने चाहिए. अगर हमने कहा x y r में होना चाहिए, y z s में हो, तो x z इसमें आ जाएगा. 1 2 r पे, 2 3 यहां पर आप देखिए s में है, तो 1 3 किस में आ जाएगा, कंपोजिशन पे आ जाएगा 1 3. फिर 2 से और कोई नहीं है, 3 4 यहां पर है, 4 1 यहां पर है, तो क्या बन जाएगा, 3 1 यहां पर आ जाएगा. ये R composition S हो जाएगा. ऐसे ही R composition S हम निकाला, वैसे हम S composition R भी निकाल सकते हैं, या R का R के साथ ही composition भी निकाल सकते हैं. R का R के साथ कौन-कौन है, R square भी लिखते हैं, R square को, यानी कि R composition R. ऐसे आप R cube भी लिख सकते हैं, R composition R composition R, या R composition R square. ये जितने भी सारे तरह composition आप निकाल सकते हैं. तो composition निकालने का सीधा सा तरीका आपको ये देखना है, किस तरीके से आप जो डेफिनेशन आपको बताई गई है उसके अकॉर्डिंग आप दो रिलेशन का कंपोजिशन निकाल रहे हैं. इसी में एक सिंपल सा लास्ट पर इनवर्स ऑफ रिलेशन कैसे आप निकाल रहे हैं. आपने कहा लेट आर बी रिलेशन, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एक्स. आर इनवर्स क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा है, वाई एक्स इसका एलिमेंट होगा यदि क्या हो, एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, यानी ऑर्डर आपने बदल देना है. अगर वहां आर में 1 2 है तो आर इनवर्स में 2 1 हो जाएगा. जैसे अगर आपको सपोज x इक्वल टू 1 2 3 दिया है और r इक्वल टू ये दिया हो 1 2 एंड सपोज 3 1, तो r इनवर्स का मतलब 2 1 एंड 1 3, ये r इनवर्स हो जाएगा. तो जितने भी तरह के r इनवर्स से बताए, इसमें भी आप r इनवर्स के साथ भी कंपोजिशन निकल सकता है. जब आर इनवर्स के साथ कंपोजिशन आपसे निकालने के लिए कहेंगे किसी और रिलेशन का, तो पहले आर इनवर्स निकाला जाएगा, फिर उसके बाद उसका कंपोजिशन जिसके भी रिलेशन के साथ आपसे कहा गया है वो आपको निकालना होगा. तो ये रिलेशन सारे रिलेशन को ध्यान रखना है कि बेसिकली रिलेशन भी अपने आप में एक सेट है, सेट के सारे ऑपरेशन उसमें अप्लाई होंगे जितने भी होते हैं. उसके अलावा कंपोजिशन निकालने का तरीका ये, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स आपको बताए वो सारे क्या क्या हैं, हर एक की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी चाहिए, और अलग अलग अगर हमें कॉम्बिनेशन बताएं कि कैसे इक्विवेलेंस कह रहे हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को आप कह रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, तो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है. पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आपको बताया, रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शन की. फंक्शन है क्या बेसिकली, जैसे मैं अगर ये कहूं कि आपसे y इक्वल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब मैंने x को अगर 2 वैल्यू दे दी तो y की मुझे वैल्यू मिली 4. क्या किया कि x का स्क्वायर कर दिया. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही पे कोई एक मशीन मुझे मिल गई, यहां से कोई मैंने कि यहां से मैंने इनपुट डाला, या आपका f यहां से आउटपुट मिला, या आपने क्या मिला, f क्या था, ये क्या कर रहा है, जैसे ही आप यहाँ से x को डाल रहे हैं तो क्या कर रहा है, x स्क्वायर आपको बाहर मिल रहा है. तो एक f बेसिकली फंक्शन है क्या, एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग जो आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं x की, उस वैल्यू के लिए कोई आपको यूनिक वैल्यू आपको मिल रही है. तो सिंपल से एक रूल है फंक्शन. कैसे इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, देखिए आप अगर दो सेट हैं
x और y. सपोज इसमें आपने कहा a b c 1 2 3, मेंबर ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं. फंक्शन को आप मैपिंग भी कहते हैं. कैसे? ये आपके यहां से आप मैपिंग है x टू y से. कैसे लिख रहे हैं आप? f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y. f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y. f इस वजह से फंक्शन है. अब फंक्शन क्या रिलेशन भी हमने देखे डिफाइन किया था. अब फंक्शन और रिलेशन पे क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे हम फंक्शन रिलेशन से अलग है. पहले फंक्शन में है क्या? देखिए हमने क्या कहा कि फंक्शन कब कहला रहा है x से y, कि जब हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट x के लिए यहाँ कोई एक यूनिक एलिमेंट में दिया गया हो y में, तो कहलाता है फंक्शन. अब हर एक एलिमेंट का मतलब क्या है कि इस a के लिए, जैसे मैंने दिखा दी a के लिए यहाँ इसकी मैपिंग 1 में थी, b की भी सपोज यहाँ होगी और c की सपोज 2 पर. तो हर एक एलिमेंट के लिए अगर आप देखेंगे a की यहाँ मैपिंग दिखाई दे रही है 1 पे, b की भी 1 पे दिखाई दे रही है, c की 2 पे. यानी कि क्या है कि हर एक x जो कैपिटल x का मेंबर है, स्मॉल x जो कि कैपिटल x का मेंबर है, उसके लिए कोई ना कोई स्मॉल y यहाँ y पे दिया हुआ है. जिससे क्या लिखें आपकी, सो दैट आपने कहा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, ये आप कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y सच दैट y इक्वल टू fx. ये ठीक. तो अब क्या है, देखिए आपने कहा हर एक के लिए होना चाहिए. इसका मतलब यहाँ कोई भी दो चीजें ऐसी हैं जो कि फंक्शन को रिलेशन से अलग बना रही है. कौन सी है? यानी हर एक एक्स के लिए यहाँ कोई ना कोई होना चाहिए. इसका मतलब यहाँ कोई एलिमेंट खाली नहीं रह सकता. यहाँ कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए जिसकी कोई भी यहाँ इमेज ना हो. यहाँ खाली रह सकता है, यहाँ खाली नहीं रहना चाहिए. यहाँ अगर खाली रह गया तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है, वो सिंपल सा आपका रिलेशन है. दूसरी चीज हमने कहा कि हर एक x के एलिमेंट के लिए यहां एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए. इसका मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता a b c 1 2 3 x और y एक ही वैल्यू यहां पर आपको देगा फंक्शन के 1 में भी दिखाई दे, मैपिंग एक ही मैपिंग 2 में भी दिखाई दे, ऐसा पॉसिबल फंक्शन पे नहीं हो सकता. ये रिलेशन पे हो सकता है फंक्शन, अगर ये दिया रिलेशन तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं है. या ये जैसे दिया है तो ये आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि a के लिए आपको यहाँ पर दो वैल्यू y में दी है, 1 भी दी है 2 भी दी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. दो चीजें हैं, पहला यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसकी कोई यहाँ मैपिंग ना हो. दूसरा किसी एक एलिमेंट की यहाँ दो या दो से ज्यादा मैपिंग नहीं हो सकती. यदि ऐसा है तो खाली रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल तो डायग्राम के थ्रू समझाया, अगर हम इसको लिखें कैसे आप इसको हम समझा सकते हैं, देखिएगा कैसे. ये मैंने लिख दिया x इक्वल टू सपोज a b c, y इक्वल टू 1 2 3. एक रिलेशन मैंने लिखा r1 a one b two हमें अलग अलग रिलेशन दिए हुए हैं x से y के बीच में. हमें देखना है कौन से इसमें फंक्शन है और कौन से नहीं है. पहले वाले को हम चेक करें, यहाँ पर तीन एलिमेंट्स हैं x में, हर एक के लिए कोई ना कोई मैपिंग होनी चाहिए, यूनिक मैपिंग होनी चाहिए. a की मैपिंग दिख रहा है 1 में, b की 2, c की 3 पे. ये जो रिलेशन r1 दिया हुआ है ये फंक्शन है. r2 को आप देखेंगे
ए के लिए यहाँ पर वन है, बी के लिए दो वैल्यूज आपको दी है, एक टू दी है एक थ्री दी है, जैसा जो कि फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। ये एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। आर थ्री ए वन बी थ्री, हालांकि ये दोनों अपने आप में यूनिक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि सी के लिए कोई भी यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक फंक्शन नहीं है, ये भी खाली एक रिलेशन है। इन तीनों में आर वन ही केवल एक फंक्शन है, आर टू और आर थ्री दोनों रिलेशन है, क्योंकि ये फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन के बीच में, जो आपको ध्यान रखना है। और फंक्शन पर हम कैसे बाकी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यह आपको बताया था x एंड y f इज फंक्शन फ्रॉम x टू y। ये जो सेट है x का, इसे आप कह रहे हैं डोमेन, इसे कह रहे हैं कोडोमेन। इसी पे सपोज ये ऐसा हो, ये आपने कहा x, जो मैंने एग्जांपल लिया था y, ए बी सी वन टू थ्री, ये जो एलिमेंट है ये इसकी इमेज कहला रहा है, ए की इमेज है वन, ऐसी डी की टू सी की थ्री। ये जो जितने एलिमेंट्स हैं जो किसी न किसी की इमेज है, यानी ये वाला सेट इसके अंदर वन टू वाला ही है, इसको आप देखें वन और टू को, तो ये सेट अगर आप कहेंगे वन टू खाली, तो ये किसी न किसी की इमेज है, ये कहलाता है रेंज। रेंज रेंज का मतलब वाई के एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स का सेट जो किसी न किसी एक्स के एलिमेंट्स की मैपिंग है, वो कहलाएगा रेंज। तो ये कहला डोमेन, दिस इज कोडोमेन। रेंज का मतलब वो एलिमेंट्स जो किसी न किसी एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, वो सेट कराएगा आपका रेंज। अब ये तो हमने जनरली डिफाइन किया है, कई बार हम फंक्शन को सिंपली फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख देते हैं, जैसे मैंने कई बार आपने ऐसा लिख के देखा होगा y इक्वल टू सपोज x। अब मुझे कुछ नहीं पता, सिंपल से ये फंक्शन लिखा है कि y इक्वल टू x, तो कैसे इसकी डोमेन और रेंज पता कर सकता हूँ? डोमेन का सीधा सा अर्थ है कि x की वो सारी वैल्यूज, जनरली आप रियल लाइन की बात करते हैं, जब भी आप वैल्यूज की बात करते हैं तो रियल लाइन में से पूरी देखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में, कि x की कौन कौन सी वैल्यूज आप यहाँ पर रखें जिससे आपको y की कोई फाइनाइट वैल्यू मिले, रियल वैल्यू आपको मिले, रियल और फाइनाइट वैल्यू आपको यहाँ पर मिले। तो यहाँ चेक करेंगे पूरी रियल में सारी वैल्यूज आप यहाँ पर x के रख सकते हैं, कोई ऐसी वैल्यू नहीं कि जिसको रखने से y आपको रियल या फाइनाइट ना मिल रहा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी रियल लाइन इसकी डोमेन है। तो डोमेन का मतलब x की वैल्यूज जिनको आपको रखने पर y की कोई एक फाइनाइट रियल वैल्यू मिल रही है, वो इसका डोमेन। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू R। और रेंज जब आप कह रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं आप रेंज? जो आपको x की वैल्यूज मिल गई, अगर आप इनको आप यहां पर रखें तो देखेंगे y की आपको क्या वैल्यूज मिल रही है, वो कहलाएंगे रेंज। ध्यान दें कि जब आप यहां पर x की वैल्यूज सारे रियल नंबर रखेंगे तो आपको रियल नंबर ही मिलेंगे, इसका मतलब y भी किसको मिलेगा? रेंज क्या हो जाएगी इसकी? सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये डोमिनेंट रेंज है। इसी को थोड़ी अगर एग्जाम्पल बदल दूं, मैं ये कह दूं y इक्वल टू अंडर रूट x। अब ध्यान दें, ये जो स्क्वायर रूट है, x यहां पर नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो स्क्वायर रूट है वो नेगेटिव के लिए आप डिफाइन नहीं कर सकते। रियल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो होना क्या चाहिए कि कौन सी वैल्यूज के लिए आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? केवल जो जीरो हो या जीरो से
आगे पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब डोमेन इसका क्या निकला, x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू जीरो इन्फिनिटी। क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब जीरो इसमें इंक्लूड है, ओपन इंटरवल है, इन्फिनिटी जीरो से लेके इन्फिनिटी जीरो इसमें इंक्लूडेड है। अब ध्यान दें, जब आप यहाँ पर x की वैल्यू जीरो से ज्यादा ऊपर की रख सकते हैं पहुंचते, तो y की क्या आपको मिलेंगी, तो y भी क्या होगा, जब आप जीरो रखेंगे तो जीरो मिलेगा, ऊपर पॉजिटिव तो कोई ना कोई पॉजिटिव आपको मिलेगा, तो y भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कई इस तरीके से आप देखते, जैसे अगर आप y 1 बाई एक्स कह दें, y इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब ध्यान दें कि y इक्वल टू 1 बाई एक्स यहाँ डिनोमिनेटर पे है, डिनोमिनेटर का मतलब ये है कि आप x को जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो अगर ये हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये जीरो नहीं होगा। जीरो के अलावा इसका मतलब सारे रियल नंबर यहाँ पर इसके को आप असाइन कर सकते हैं, तो इसका डोमेन क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो, x r में से आपने जीरो को हटा दिया। y को चेक करें, अब ये जीरो नहीं है, ध्यान दें कि ये यहाँ पर न्यूमरेटर पे इसका वन है, तो y की वैल्यू कभी भी आपको यहाँ पर जीरो नहीं मिल सकती। इसका मतलब जो भी आप जीरो के अलावा आप नंबर रखेंगे वो अदर देन जीरो ही नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर y भी आप देखेंगे तो y भी सेम ही r माइनस जीरो आ जाएगा। तो कोई भी आपको दिया हो इस तरीके से फंक्शन, या तो सिंपल से मैंने फंक्शन लिखे, कोई भी आपको फंक्शन दिया हो तो उसको आपको एनालाइज करना है कौन सी वैल्यू। अगर इसको x माइनस वन मैं यहाँ पर लिख दूँ, तो x माइनस वन का मतलब हो जाएगा कि x माइनस वन, अगर मैं इसको x माइनस वन यहाँ पर आप लिख दूँ कि y इक्वल टू वन बाई x माइनस वन, तो इसका मतलब ये कि अब x माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू वन, के अलावा बाकी सारे रियल नंबर पॉसिबल है। वही आपको चेक करना पड़ेगा कि अब इनकी वैल्यूज के लिए y की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, वो सारी रेंज में आ जाएंगे। देखिए वन वन फंक्शन क्या होते हैं, वन वन फंक्शन आप किसे कह रहे हैं, वो सिंपल अगर आप टर्म में देखें, ये आपका x और y, जब x के एक एलिमेंट की इमेज सिर्फ यहाँ एक ही एलिमेंट सिंगल एलिमेंट हो ऐसे, तो ये आपका क्या ला रहा है, वन वन, यानी कि यहाँ पर जो एक एलिमेंट है उसकी इमेज भी एक ही एलिमेंट है, सब अलग अलग, तो ये क्या ला रहा है आपका, वन वन फंक्शन। इसको कैसे मैथमेटिकली दिखा रहे हैं, ये तो आपने समझने के लिए ठीक है, हमने कहा कि हर एक एलिमेंट की इमेज एक ही एलिमेंट पर होनी चाहिए। इसको हम कैसे समझने के लिए कैसे कहेंगे, हमने कहा लेट x1 x2 बिलोंग्स टू x, दो एलिमेंट हमने ले लिए, क्या लिंक लेके चलेंगे कि f x1 इक्वल टू f x2, दो हमने कहा कि अगर अलग अलग एलिमेंट है लेकिन उनकी इमेज क्या है, सेम आ रही है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, इसको हम लेके चले और हम ये दिखा दें एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। इसका मतलब जो दो हमने अलग अलग एलिमेंट हमने मान के चल रहे थे कि दो अलग अलग एलिमेंट हैं लेकिन उनकी इमेज सेम है, एक्चुअल में दो एलिमेंट अलग अलग नहीं है, वो दोनों सेम ही एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ एक एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक ही हो गई। तो ये आपका तरीका जो है इसको आप मान के चलेंगे, इसकी हेल्प से आप दिखाएंगे कि x1 इक्वल टू x2। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको दिया हो f, हमने फंक्शन कह दिया सपोज रियल नंबर से रियल नंबर को, कैसे डिफाइन है, डिफाइन है इस, आपने कह दिया y इक्वल टू ट्वाइस x प्लस थ्री, ऐसे ही डिफाइन है। इसको अगर हमें शो करना है कि 1 1 है तो मैं क्या मान के चलूंगा, मैंने ये मान के चला कि लेट x1 x2, लेट आपने कहा x1 x2 बिलोंग्स टू r, क्या हो जाएगा, हमने क्या लिया एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, मान के लेट एक्स वन एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। इसका मतलब ट्वाइस एक्स वन प्लस थ्री इक्वल टू ट्वाइस एक्स टू प्लस थ्री, इसको आप जब सॉल्व करेंगे थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो ये सॉल्व करके आपको ये निकल आएगा कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू।
तो ये आपका मैथमेटिकल तरीका है दिखाने का कि फंक्शन वन वन है। तो ये आपको कल समझने के लिए था, फिगर हमने बनाया कब वन वन है और ये आपका मैथमेटिकल तरीका है कैसे आप इसको दिखाएंगे। इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू आप लेके चलेंगे और दिखाएंगे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ऑन टू फंक्शन कब आप कहेंगे इसको समझने के लिए सीधे सा आप ये देखें कि x और y तो हमारे पास सेट है, f यहाँ से यहाँ फंक्शन है, कब कहलाएगा ऑन टू? जब y के हर एक एलिमेंट के लिए यहां कोई ना कोई x में ऐसा एलिमेंट हो कि जिसकी इमेज ये हो, यानी कि y के हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट वाई में ऐसा खाली नहीं बचना चाहिए जो किसी की इमेज ना हो। जैसे आपने ये कह दिया 1 2 3 है, 1 2 3 4 ये आपका आ गया, इसको टू करें सपोज, एक ले लें एक्स्ट्रा, ये एलिमेंट अगर बच रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये थर्ड वाला एलिमेंट किसी की भी इमेज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए, ये समझने के लिए इसी को आप कैसे दिखाएंगे, कैसे इसको हम दिखाएंगे कि मैथमेटिकली हमें दिखाना है कि आप फंक्शन ऑन टू है। फिर से वही एग्जांपल है, सपोज आपने कहा f r टू r डिफाइंड एज y इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस थ्री। हम क्या कर रहे हैं, हमने मान लिया कि हमारे पास ये सेट थे x और y, ये भी R का था ये भी R है। यहां मैंने मान लिया कि कोई एलिमेंट सपोज K है, मुझे ये दिखाना है कि इस K के लिए आर्बिट्री है, इस K के लिए यहां कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि जिसकी इमेज K है, और K आर्बिट्री है इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई यहाँ एलिमेंट हैं जिनकी इमेज वो एलिमेंट्स हैं, तो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है विदाउट इमेज। ये आपका तरीका इसको कैसे दिखा रहा है, मान लिया लेट के बिलोंग्स टू आर, ये मान लिया। अब थोड़ा इस पर रफ काम करें, देखिए अगर मैं यहाँ पर के रख देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, ये थोड़ा रफ वर्क करेंगे, के अगर मैंने रख दिया ट्वाइस एक्स प्लस थ्री, तो ट्वाइस एक्स इक्वल टू के माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू के माइनस थ्री वाई। जो मैं यहाँ पर चेक करना है वो ये चेक करना है, अगर यहाँ पर के आर है तो जो निकल के आया एक्स के माइनस थ्री वाई टू, ये सेट कौन सा है, आर है, क्या ये आर का मेंबर है या नहीं, क्या ये रियल नंबर है या नहीं, के की हर एक वैल्यूज के लिए, के क्योंकि आर रियल नंबर है इसका मतलब कोई भी अगर आप रियल नंबर रखें तो क्या ये आपको एक रियल नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर रियल नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब सेट को बिलोंग करता है, अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब सेट से बाहर है जो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने देखा कि इस अगर यहाँ रियल नंबर था तो एक ऐसा k माइनस थ्री बाई टू आपको मिल रहा है, और आपको दिखाना है कि इसकी मैपिंग यही है, कैसे इसको दिखाएंगे, आप लेट k बिलोंग्स टू R, देन देयर एग्जिस्ट k माइनस थ्री बाई टू बिलोंग्स टू R, इस सेट की बात कर रहे हैं, यहां ऐसा करता है सच दैट एफ ऑफ के माइनस थ्री बाई टू। अब आप इसमें आप जो डेफिनेशन है आप उसको लगा रहे हैं, ये आपको डेफिनेशन दी थी कि वाई इक्वल टू एफ एक्स क्या था, ट्वाइस एक्स प्लस थ्री, ये आपको लिखा था वाई इक्वल टू दिस एफ एक्स, यानी कि एफ ये आपने लगाया के माइनस थ्री बाई टू, तो क्या था ट्वाइस करना था इसका प्लस थ्री, यानी कि ट्वाइस k माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री, तो कितना आया k माइनस थ्री प्लस थ्री दिस इक्वल टू, ये आपका सिर्फ प्योरली रेफर था, इसको देखें लिखने जब आप लिखेंगे इसको इस तरीके से लिखें कि लेट k बिलोंग्स टू R, देन देयर एग्जिस्ट k माइनस थ्री बाई टू बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ k माइनस थ्री बाई टू इज k, यानी कि यहाँ जो k था उसके लिए एक एलिमेंट यहाँ पर कौन सा था k माइनस थ्री बाई टू जिसकी मैपिंग इस k में है,
तो यहाँ ये चेक करना जरूरी है कि जो हमारा निकल के आया ये सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट की यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिया हर एक एलिमेंट क्योंकि आर्बिट्री है इसके लिए हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज ये की है। तो इस तरीके से आप प्रूव करेंगे वर्ड। तो कई बार ये कंबाइन करके पूछा जाता है सो दैट द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2। तो 1 1 के लिए आप दिखाएंगे कि जो मैंने आपको पहले बताया ऑन 2 के लिए आप इस तरीके से आप दिखाएंगे या पूरा तरीका मैथमेटिकली आपको ये आपका तरीका है दिखाने के लिए। इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन क्या है? ये आपने कहा x और y f, f इनवर्स फंक्शन इसका ठीक यहां से y से ये, लेकिन क्या ये फंक्शन होगा या नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें चेक करना है। ये तभी ऐसा पॉसिबल है कि f इनवर्स तभी पॉसिबल है जब ये फंक्शन की जो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी दो इनिशियल प्रॉपर्टी बताई थी कि जब आप फंक्शन कर रहे थे हमने कहा था कि x के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ यूनिक एलिमेंट होना चाहिए और एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज पॉसिबल नहीं है। तो अगर f इनवर्स में ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हमने इसका उल्टा तो निकाल लिया जैसे आपका ये था इसको आप ध्यान दें ये ऐसे मान लीजिए आपने कहा x और y है ये आपका फंक्शन दिया हुआ है ऐसे ये दिया हुआ है ये तो फंक्शन है यहां से यहां f इसकी इमेज ये है इसकी इमेज। लेकिन जब आप इसका उल्टा करेंगे उल्टा का मतलब इसकी इमेज ये भी निकलेगी और ये भी निकलेगी तो देखिए ये जो कि कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा जो खाली रिलेशन बन जाएगा फंक्शन नहीं रहेगा। ऐसी यहाँ फिर एक ऐसा एलिमेंट बच जाएगा जिसके लिए कोई इमेज नहीं होगी तो ये फिर उल्टा जब आप इसका रिवर्स करेंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो जब भी हम इनवर्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट जो सबसे चीज है जब भी आप कहें किसी पूछा जाए किसी फंक्शन का इनवर्स आप निकालें तो सबसे पहले आपको चेक करना है ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा 1 1 ऑन 2 का मतलब मैंने आपको बताया था हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट 1 1 ऑन 2 का मतलब सारे एलिमेंट किसी न किसी की इमेज हो तभी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। और जैसे आपको मैंने प्रूव करवाया कि y इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 3 एफ फ्रॉम आर टू आर इज इन्वर्टिबल आपने शो किया कि 1 1 ऑन 2 है इनवर्स जब आप इसका निकालें तो x इक्वल टू आपका निकलेगा y माइनस 3/2। तो इसे आप चाहे तो इसी फॉर्म में लिख दें f y या अगर इसके x के टर्म में लिखना चाहें f इनवर्स x इसको आप रिप्लेस कर दें x माइनस 3/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये x इक्वल टू f y के फॉर्म में लिखा है ये भी सही है इनवर्स के फॉर्म में लिखा है कि x इज अ फंक्शन ऑफ y। ये x के टर्म में लिखना चाहें खाली आपको वेरिएबल बदल देना है x माइनस 3/2 दिस इज f इनवर्स x यानी fx अगर ये है 2x प्लस 3 तो f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3/2। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना है पहले हमें चेक करना है कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। अगर कोई 1 1 ऑन 2 नहीं है तो उस केस में आप लिखेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये मैंने आपको रिलेशन और फंक्शन के बारे में बताया। यदि आप किसी कोई क्वेरी कोई आप अपने बारे में कोई आप सुझाव या कुछ आपको लगता हो कमेंट देना चाहते हो पूछना चाहते हो तो आप इस मेल एड्रेस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं bistrk@gmail.com। तो आपके सुझाव आप कितने सबका मैं स्वागत करूँगा पॉसिबल होगा तो आपका सारा आंसर करूँगा।